हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एंड सो गाइज, अभी टाइम सुबह के 8:30 बज गया है और आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि बाइक टैक्सी के लिए, जैसे कि ओला, उबर, रैपिडो अगर हम चलाते हैं तो उसके लिए कौन सा बाइक सही रहेगा और कौन सा सही नहीं रहेगा। काफ़ी सारा कमेंट आ रहा था कि भाई हमारे पास स्कूटरी है, क्या हम उसे कर सकते हैं क्या, मतलब कई सारे बाइक का मतलब डिमांड था कि मतलब हमारे पास ये बाइक है, वो बाइक है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसके लिए एक वीडियो बना दूं और आपको मैं डिटेल से समझा दूं कि कौन सा बाइक सही रहेगा इसके लिए। आपके पास स्कूटरी हो या बाइक हो, मतलब कुछ भी हो आपके पास, आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप अर्निंग भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब, आपके पास ऐसी बाइक होना चाहिए जो एवरेज अच्छा दे, जैसे कि 50 से 60-70 तक जो बाइक एवरेज देती है वो बाइक बेस्ट होगा। क्योंकि बाइक टैक्सी में इतना अर्निंग नहीं हो पाता है पेट्रोल की वजह से, क्योंकि पेट्रोल इतना ज़्यादा महंगा हो चुका है, आप लोग समझ ही सकते हो। स्कूटरी में भी मैंने देखा काफ़ी लोगों को राइड करते हुए बाइक टैक्सी, तो स्कूटरी में क्या होता है ना कि वो 35 से 40 तक एवरेज देती है, तो उसमें उतना अर्निंग नहीं हो पाएगी जितना आपका बाइक में होगा। और बाइक मेरे हिसाब से तो स्प्लेंडर वैसे सही रहेगा, स्प्लेंडर थोड़ा मजबूत भी है और वो एवरेज भी अच्छी खासी दे देती है, और मेरी बाइक है, मेरी बाइक भी 50 से 60 तक एवरेज दे देती है, तो इस करके मेरा भी मतलब पार्ट टाइम के हिसाब से अर्निंग हो जाता है थोड़ा बहुत। कुछ दिन पहले मेरा बाइक भी 40 के आसपास में ही एवरेज देता था, बट मैंने इसका थोड़ा कुछ काम करवाया था, सर्विसिंग वगैरह करवाया, जो जो चीज़ की प्रॉब्लम थी मैंने वो सॉल्व करवाया, तो उसके बाद मेरी बाइक अभी 50 से 60 तक दे रही है एवरेज। वैसे काफ़ी सारे बाइक है जो एवरेज देती है, तो आप किसी भी बाइक से कर सकते हैं, लेकिन वो वही 50 से 60 तक अगर जो बाइक एवरेज दे देती है वो आपके लिए बेस्ट होगा। अगर जो 40, 45, 30, 35 देती है, फिर उसमें मतलब कर तो सकते हैं लेकिन आपकी अर्निंग कम होगी। और गर्मी का मौसम है, इतना धूप में काम करना पड़ता बाहर, यानी कि धूल मिट्टी, मतलब बहुत सारा चीज़ का सामना करना पड़ता है, रिस्क भी होता है। अगर आप इसमें, अगर आपकी अर्निंग इतना नहीं होगा फिर क्या फ़ायदा काम करने से। वैसे तो मैंने कुछ लोगों को देखा है स्पोर्ट बाइक पर भी बाइक टैक्सी का काम करते हैं और फूड डिलीवरी भी करते हैं, जैसे कि जोमेटो और स्विगी हो गया। और आप लोग पूछते हो कमेंट में कि भाई आपके पास कौन सी बाइक है, तो मेरे पास ये होंडा सीवी ट्विस्टर है और मैं इसी से बाइक टैक्सी का काम करता हूँ। तो मैं अभी ड्यूटी जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि जाते जाते आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ बाइक के बारे में। मेरा कहना तो यही है कि जो बाइक 50 से 60 या उससे भी ज़्यादा एवरेज देती है वो बाइक आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होगी, क्योंकि कंपनी इतना ज़्यादा फेयर नहीं देती है कि जो आप स्कूटरी और या स्पोर्ट बाइक से आप काम कर सकें। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि भाई आप पार्ट टाइम करते हो या फुल टाइम, आपकी मंथ में कितनी अर्निंग हो जाती है, तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं फुल टाइम नहीं करता हूँ और नहीं मैं ये बता सकता कि मेरे पूरे महीने की अर्निंग कितनी होती है, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ और जॉब के बाद जो मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचता है कभी कभी, जैसे टाइम मिल गया तो मैं अपना पॉकेट खर्चे के लिए पार्ट टाइम में ये बाइक टैक्सी का काम करता हूँ। अगर मैं फुल टाइम अगर इसी पे डिपेंड करूँ तो इससे मेरा घर का खर्चा नहीं चलने वाला है, इस करके मेरा जॉब ज़रूरी है, इसीलिए मैं जॉब करता हूँ और जो मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है कभी कभी तो मैं पार्ट टाइम में बाइक टैक्सी से अर्निंग कर लेता हूँ। तो यहाँ से थोड़ा सा ही दूर है मेरी फैक्ट्री और मैं पहुँचने ही वाला हूँ थोड़ी देर में। आप लोग पूछते हो कि ओला या उबर, रैपिडो हम कैसे ज्वाइन करेंगे, तो मैंने सोचा कि उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा और मैं आपको उसमें डिटेल से समझा दूंगा, ताकि आपको भी कोई परेशानी ना हो ज्वाइन करने में। और मैं सोचता हूँ कि मैं कंटिन्यू ब्लॉगिंग करूँ, बट मेरे पास टाइम इतना नहीं मिलता, इस करके मैं कंटिन्यू वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ। और काफ़ी सारे कमेंट पेंडिंग में रह जाते हैं जिनका मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, तो उसका रीज़न यही है कि मुझे जॉब से फुर्सत नहीं मिलती है। तो आज का टॉपिक यही था कि बाइक टैक्सी के लिए कौन सी बाइक बेस्ट रहेगी। तो बेस्ट वही रहेगी जो आपकी बाइक ज़्यादा एवरेज देगी, ज़्यादा माइलेज देगी, तभी आपकी अर्निंग हो जाएगी। यहाँ से मेरी कंपनी 200 मीटर की दूरी पर है, तो मैं पहुँचने ही वाला हूँ। अगर आपका और भी कुछ सवाल है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा जल्दी से आपको रिप्लाई देने की। तो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहता हूँ आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।